नमस्कार दोस्तों, सरकारी दुरुस्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीडीएस 2020 मतलब जो एग्जाम 8 नवंबर को होने वाली है उसके लास्ट मिनट टिप्स देखेंगे। मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो डेफिनेटली आपके 25 to 30 मार्क्स बढ़ेंगे, इतनी क्वालिटी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले हम 5 मास्टर टिप्स देखेंगे, उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे लास्ट मिनट टिप्स के ऊपर। तो डेफिनेटली इस वीडियो के एंड तक आपको पेशेंस रखना होगा। पॉइंट नंबर 1, स्टैटिक जीके इज किंग। दोस्तों, करंट अफेयर्स के ऊपर आप इतना ज्यादा फोकस देते हो कि जो स्टैटिक जीके के प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं या फिर स्टैटिक सिलेबस में से जो श्योर शॉट क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी आप मिस कर देते हो। यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन बताऊंगा। जीके के पेपर में 120 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से मिनिमम अगर आप 35 क्वेश्चन भी एक्यूरेटली सॉल्व कर पाओगे तो आपका स्कोर होगा 29.155, जो एक डिसेंट स्कोर है। मतलब क्वालिफाई करने के लिए 20 मार्क्स आपको लगते हैं। अगर आप मिनिमम 35 भी सॉल्व कर लोगे तो भी आपका स्कोर इतना होने वाला है। अभी आप स्क्रीन के ऊपर सीडीएस का वेटेज देख सकते हो, तो आपको करंट अफेयर्स में से मैक्सिमम 16 to 17 क्वेश्चन ही दिखाई देंगे, लेकिन बाकी जो सारा पेपर रहेगा मतलब अराउंड 100 क्वेश्चन आपको स्ट्रेटेजी जीके में से ही दिखने वाले हैं। पॉलिटी में से 23 to 26 क्वेश्चन दिखाई देंगे, ज्योग्राफी में से 16 to 17 क्वेश्चन, फिजिक्स में से 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में से 11 क्वेश्चन, बायोलॉजी में से 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री में से 14 क्वेश्चंस और इकोनॉमी से 13 to 14 क्वेश्चंस। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स जो होता है वो इतना डायनेमिक होता है जिसमें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली किस टॉपिक में से और कितनी डेप्थ तक वो क्वेश्चन पूछेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप स्टैटिक टॉपिक्स का देखोगे तो मैं ये बता सकता हूँ कि कौन से बुक में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाई देंगे। अभी मैं आपको सिंपल एग्जांपल के साथ बताऊंगा। 4th अक्टूबर को आईएएस की प्रीलिम्स एग्जाम हुई थी, जो भी यूपीएससी ही कंडक्ट करता है। उस पेपर में करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत कम था, जो एक शॉकिंग चीज है। और उन्हीं एस्पिरेंट्स ने प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करी जिनका स्टैटिक सिलेबस के ऊपर बहुत अच्छा कमांड था। और आपको यकीन नहीं होगा, इंडियन पॉलिटी के जो आईएएस के एग्जाम्स थे वो 9th NCERT और 11th NCERT, इसी में से सारे क्वेश्चंस थे। तो स्टैटिक सिलेबस को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। और आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो, कुछ यही सोर्सेस है जिसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम भी दिखाई देंगे। पॉलिटी के लिए आपको करना है 9th, 10th और 11th NCERT। 11th में 2 होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, पॉलिटिकल थियरी। ज्योग्राफी के लिए 6th to 11th NCERT, साइंस के लिए 6th to 10th NCERT प्लस लुसेंट जीके के कुछ इंपोर्टेंट चैप्टर्स, इकोनॉमी के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। और दोस्तों, अगर आपने मेरा वीक वाइज स्टडी प्लान देखा होगा तो उस प्लान में भी मेरा फोकस इन्हीं बुक्स के ऊपर है, मतलब रेफरेंस के जो स्टैटिक बुक्स है उनके ऊपर, जिसमें से आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देंगे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आपको करंट अफेयर्स को कम्प्लीटली इग्नोर करना है। मैंने पिछली वीडियो में आपको एक पीडीएफ दी थी जिसमें पूरे साल भर के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स मैंने उसमें दिए हैं। उसके साथ साथ पॉलिटी ओरिएंटेड, ज्योग्राफी ओरिएंटेड, हिस्ट्री ओरिएंटेड जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स है वो भी आपको वहां पर मिलेंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स जो पिछले साल भर में इंपोर्टेंट थी वो भी मैंने वहां पर ऐड किए, वो तो आपको देखना ही है। उसका वीडियो मैं आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक दे दूंगा। उन सोर्सेस में से अगर आप करंट अफेयर्स की पढ़ाई करोगे तो आपको फायदा ही होगा, लेकिन स्टैटिक को इग्नोर मत करना जिसमें से मेजर चंक आपको एग्जाम में दिखाई देने वाला है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। पॉइंट नंबर 2, यू हैव टू स्कोर 65 प्लस मार्क्स इन मैथमेटिक्स और इंग्लिश टू अचीव द एकेडमी ऑफ योर चॉइस। दोस्तों, आप इंग्लिश में स्ट्रांग हो सकते हो या फिर मैथमेटिक्स में, किसी भी एक टॉपिक में आपको 65 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। अभी हम एक सिंपल एग्जांपल देखेंगे। अगर आपको ओटीए ज्वाइन करना होगा तो उसका कट ऑफ अराउंड 100 मार्क्स होता है। तो अगर आपका इंग्लिश में स्कोर सिर्फ 35 to 40 मार्क्स रहेगा, जो आप पढ़ाई नहीं करोगे तो भी आपका उतना स्कोर तो होता ही है, तो फिर इस केस में आपको जीके में 60 प्लस या फिर 60 के अराउंड स्कोर करना पड़ेगा, जो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सेम इंडियन मिलिट्री एकेडमी के साथ भी है और एयरफोर्स एकेडमी के साथ भी है। अगर आपका इनिशियल पेपर में या फिर जो स्ट्रॉन्ग आपका पेपर है उसमें अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर नहीं होता तो टोटल फिगर जो है कट ऑफ का वो अटेंड करने में आपको थोड़ी तकलीफ होती है। और हमारा एम सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना नहीं होता, लेकिन मेरिट लिस्ट में भी हमें आना है। तो कट ऑफ के ऊपर मिनिमम 15 मार्क्स अगर आपको स्कोर करना होगा तो इंग्लिश और मैथ्स किसी एक पेपर में आपको मास्टर बनना ही होगा। पॉइंट नंबर 3, दिस टाइम वैकेंसीज आर लेस सो ओवरऑल कट ऑफ में राइज। शायद आपने ये चीज नोटिस नहीं की होगी, इंडियन नेवल एकेडमी की लास्ट अटेम्प्ट के लिए 45 वैकेंसीज थी, इस बार 26 वैकेंसीज है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए पिछले बार 225 वैकेंसीज थी, इस बार 169 वैकेंसीज है। और इसका इफेक्ट आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी के ऊपर भी दिखाई देगा, क्योंकि अगर आईएनए की सीट्स कम रहेंगी तो जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी की 100 सीट्स है उसके लिए कॉम्पिटिशन थोड़ी बढ़ने वाली है। तो इसका मॉरल सिर्फ ये है कि ओवरऑल कट ऑफ अगर बढ़ता भी है तो भी आपको सेफर साइड में रहना पड़ेगा। जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है इंग्लिश और मैथमेटिक्स, इसमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर फोकस कर लो, इसमें आपको 60 प्लस स्कोर करना है ताकि आप सेफर साइड पर रहो। और ये बताने का मॉरल सिर्फ यही है कि आपका जो स्ट्रांग एरिया है आप उसमें इतना ज्यादा स्कोर कर लो कि कट ऑफ क्लियर करने का टेंशन आपको बिल्कुल भी ना रहे। पॉइंट नंबर 4, फर्स्ट पेपर दैट इज इंग्लिश पेपर इज वेरी क्रूशल। दोस्तों, अगर आपका फर्स्ट पेपर में 60 प्लस स्कोर हो जाता है
तो आपकी ओवरऑल एग्जाम क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पर हमें केस कंसिडर करेंगे, अगर इंग्लिश का पेपर खत्म होने के बाद आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपका 65 प्लस स्कोर हो रहा है तो आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जीके और मैथमेटिक्स में आप अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाओगे, मतलब जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन रहेंगे वो भी आप अच्छी तरीके सॉल्व कर पाओगे और आपका ओवरऑल मेरिट इजिली क्लियर हो जाएगा। और दूसरी केस अगर आप कंसिडर करोगे जिसमें इंग्लिश का आपका स्कोर 35-40 है, तो जीके और मैथमेटिक्स इन दो पेपर में आप स्ट्रेसफुल रहेंगे, आपके लिए डू और डाई कंडीशन रहेगी और आप अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके ऊपर थोड़ा स्ट्रेस रहेगा। तो ये चीज आपके दिमाग में सेट कर दो कि वेल बिगन इज हाफ डन, मतलब अगर आपने इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर किया और बाकी के दो पेपर में अगर आपने मॉडरेटली भी स्कोर किया तो भी आपको एसएसबी के कॉल आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 5, दोस्तों आज से लेकर एग्जाम तक आपको मैक्सिमम रिवीजन करनी होगी, सीडीएस स्पेसिफिक एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी होगी और मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे ताकि एग्जाम का फियर आपके दिमाग में से निकल जाए। आपको एग्जैक्टली कितना अटेम्प्ट करना पड़ेगा ये आपको मॉक टेस्ट में ही पता चलेगा। जो भी गलती आपको करनी होगी वो मॉक टेस्ट में ही करो ताकि फाइनल एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। कुछ ही दिनों पहले हमने सीडीएस की 45 प्लस मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिए थे जिसमें आपको इंग्लिश, मैथ्स और जीके इस हर सब्जेक्ट के 15 टेस्ट दिखाई देंगे और दो स्पेशल करंट अफेयर्स के टेस्ट भी दिखाई देंगे। आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन पेपर से उसमें से प्रैक्टिस करो या फिर मैंने मॉक टेस्ट के साथ जो एमसीक्यू के बुक्स दिए उसमें से प्रैक्टिस करो। लेकिन जब तक आप टाइम कंस्ट्रेंट में एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होगी क्योंकि आपके पास नॉलेज कितना है इसके ऊपर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। टाइम कंस्ट्रेंट में कितने एमसीक्यू आप करेक्ट सॉल्व कर पाओगे उसी के दम पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के दम पर आप एकेडमी ज्वाइन करने वाले हो, तो इस चीज को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। सीडीएस के मॉक टेस्ट की लिंक और सारे एमसीक्यू सॉल्विंग बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर डेफिनेटली आपको चेक करना होगा। दोस्तों अभी तक हमने सीडीएस एग्जाम के 5 मास्टर टिप्स देख लिए जिसका आपको सीडीएस एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, अभी हम देखेंगे 15 लास्ट मिनट टिप्स फॉर सीडीएस एग्जाम। टाइम मैनेजमेंट, दोस्तों अगर आप जीके का पेपर देखोगे तो उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट का इश्यू नहीं आएगा क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन के बारे में अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आप सॉल्व कर पाओगे वरना आप वो छोड़ दोगे। तो टाइम मैनेजमेंट का इश्यू मोस्टली आता है इंग्लिश और मैथ्स में। तो मैथ्स के लिए सबसे पहली टिप ये है कि आपको पता है कि मैथ्स का पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होता है, अगर आप इंग्लिश में सॉल्व कर रहे हो तो आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ना है और आप जो रफ वर्क करोगे वो आप हिंदी वाले पेज के ऊपर करोगे, तो इसे होगा क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए पीछे रफ वर्क में सॉल्व करने में आपका टाइम बचेगा। स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको सॉल्व करने के लिए थोड़ी जगह लगती है, एक इनिशियल डाटा आपको तैयार करना होता है और उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन के आंसर आपको आ जाएंगे, तो सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आप पीछे रफ वर्क में करना या फिर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ लेंदी अगर क्वेश्चन होंगे तो ही आपको पीछे जाना है, लेकिन बाकी सारे पेपर में आपको जो हिंदी वाला पोर्शन है वही पर सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप हिंदी में पेपर सॉल्व कर रहे हो तो इंग्लिश वाले सेक्शन के ऊपर आप रेफर करोगे, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। सेकेंड पॉइंट, मार्किंग द सर्कल्स, दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि कितने क्वेश्चंस के बाद आपको ओएमआर शीट में उसे मार्क करना होगा, तो आपको सबसे बेहतर मेथड बताऊंगा। आप कोई भी पेपर लो, 2 घंटे का पेपर होता है तो फर्स्ट आवर में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और पहले 1 आवर में आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आप उसके बाद 5 मिनट में मार्क कर लोगे और फिर जो नेक्स्ट 1 आवर है उसमें आपको पेज नंबर वाइज मार्क करना होगा, मतलब एक पेज के ऊपर एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं तो वो पहले आप सॉल्व करोगे और उसके बाद वो 5 क्वेश्चन मार्क करोगे। दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि हर क्वेश्चन होने के बाद वो मार्क करते हैं, लेकिन मैथ्स के पेपर में अगर आप ये करोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का मोमेंटम लॉस हो जाएगा। आपको पहले आवर में आपकी इफिशियंसी मैक्सिमम रखनी होगी और जितने भी क्वेश्चन आपको वन गो में आते हैं वो आपको फर्स्ट आवर में करने हैं, तो पहले घंटे में आपको फोकस सिर्फ सॉल्व करने के ऊपर देना है, तो जो मैंने अभी आपको बताया वही मार्किंग के लिए फॉलो करो। थर्ड पॉइंट ये है कि लुक होल पेपर इन फर्स्ट 2 मिनट्स, मतलब जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपको एटलीस्ट देखना होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं ताकि आप उस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट कर पाओ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इजी क्वेश्चंस एंड में रह जाते हैं और वहां तक हम पूरे 2 घंटे में पहुंच ही नहीं पाते। ABCD सब सेट्स में सेम ही क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ उनको शफल किया जाता है, तो ऐसा कभी कभी हो सकता है कि इजी क्वेश्चंस ही एंड में रहे, तो आपको देखना होगा कि इजी क्वेश्चंस कौन से हैं
और उनको आपको पहले टैकल करना होगा। तो सॉल्व करने से पहले आपको एक बार देखना होगा कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। फोर्थ पॉइंट ये कि हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट। ये क्वेश्चन बहुत सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में होता है, तो इसका आंसर ये है कि जिस क्वेश्चन का आपको 100% आंसर पता होगा वही आपको अटेम्प्ट करना है। इस 1/3 निगेटिव मार्किंग को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। और बहुत सारे कैंडिडेट्स की सोच ऐसी होती है कि 1/3 निगेटिव मार्किंग में अगर आप 3 क्वेश्चन रॉन्ग भी करते हो और एक क्वेश्चन भी अगर सही होता है तो आपके मार्क्स नील हो जाते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी फॉलो मत करना, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी फॉलो करने से शायद आपका इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करना भी मुश्किल हो सकता है। तो जिसका आपको 100% या फिर एटलीस्ट 90% आंसर कंफर्म पता होगा वही आप अटेम्प्ट करें। फिफ्थ पॉइंट, मैथ्स का पेपर सॉल्व करते समय आपको पहले ऑप्शंस नहीं देखने। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो और अगर आपने उसके ऑप्शंस भी देख लिए, फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4, तो सॉल्व करते समय बीच वाले स्टेप में भी अगर आपको कोई आंसर आ जाएगा तो आप सीधा टिक कर दे हो। तो आपको पहले आपके मेथड से पूरा सॉल्व करना होगा, आप उसका यूनिट प्रॉपर चेक करना होगा और उसके बाद ही आप आंसर मार्क करें। क्योंकि अगर आप सीडीएस के मैथ्स का पेपर देखोगे तो गलत फॉर्मूला से भी जो आंसर आता है वो भी आपको ऑप्शंस में मिलेगा। तो मैथ्स के पेपर में स्ट्रिक्टली पहले क्वेश्चंस आपके हिसाब से सॉल्व करना और फिर ही ऑप्शंस देखना। पॉइंट 6, इन जीके पेपर यूज एलिमिनेशन मेथड इवन इफ यू आर 100% श्योर। मतलब आपको अगर जीके के किसी क्वेश्चन का 100% आंसर पता होगा तो भी आपको बाकी ऑप्शंस भी एक बार देखने पड़ेंगे और एलिमिनेट करते करते ही आपको आपका फाइनल आंसर टिक करना होगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो अबो ऑप्शन ए बी एंड सी आर करेक्ट, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होने के चांसेस भी होते हैं। और कुछ क्वेश्चंस में आपको 2 आंसर सही भी दिखेंगे, तो उस केस में आपको बेस्ट आंसर चूज करना होता है। तो जीके के पेपर में आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना ही होगा। पॉइंट 7, दोस्तों इंग्लिश के पेपर में आपको जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस या फिर पैसेज, इसमें आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं करना। होता क्या है कि स्टार्टिंग के 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके 45-50 मिनट्स निकल जाते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, जिससे होता कि आगे के इजी क्वेश्चन भी आप छोड़ देते हो। तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना, और जो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस होता है और पैसेज होता है उसमें आपको ठीक तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना होगा। 8 पॉइंट, डोंट कैलकुलेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड ड्यूरिंग पेपर। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स पेपर के ड्यूरेशन में ही चेक करना शुरू कर देते हैं कि उन्होंने कितना अटेम्प्ट किया है अभी तक, तो इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। 2 घंटे में आपका एम यही होना चाहिए कि आप कितने मैक्सिमम क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओ। अगर आप क्वेश्चंस गिनने में टाइम वेस्ट करोगे तो आपके एंड के क्वेश्चन छूटने के चांसेस बढ़ते हैं। सिर्फ क्वेश्चन पेपर मार्क कर लेना और पेपर खत्म होने के बाद ये चीज आप कर सकते हो। तो पेपर का क्रूशियल टाइम आपको ये काउंट करने में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। पॉइंट 9, दोस्तों एक चीज ध्यान में रखना कि किसी भी पेपर का फर्स्ट आवर बहुत ही क्रूशियल होता है। तो जो आपका प्लस पॉइंट है, मतलब जिस चीज में आप स्ट्रांग हो, वो आपको पहले अटेम्प्ट करना होगा और मैक्सिमम अटेम्प्ट आपका फर्स्ट आवर में होना चाहिए। अगर एग्जाम के फर्स्ट आवर में आप अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करते हो तो आने वाले टाइम में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनके भी आपको आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि फर्स्ट आवर में अच्छा परफॉर्मेंस होने के कारण आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो फर्स्ट आवर में आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा कि आप इजी और जिस एरिया में आप स्ट्रांग हो वो ही सॉल्व करो। पॉइंट नंबर 10, दोस्तों आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने में आपके पेपर के 3-5 मिनट निकल जाते हैं। मतलब सुपरवाइजर के पास जो शीट्स होती है तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भरने के लिए आपको एग्जाम के 5 मिनट्स निकल जाएंगे। ये चीज लगेगी छोटी, लेकिन मैथ्स के पेपर में जब आप 1-1 मिनट का मैनेजमेंट करते हो उस टाइम पर ये 5 मिनट भी बहुत बड़े लगते हैं। तो पहले ही ये मिनट्स कंसीडर करके आपका टाइम मैनेजमेंट करना। 11th पॉइंट, दोस्तों टाइम मैनेजमेंट तो आप कर लोगे, लेकिन आपको डिजिटल क्लॉक एग्जाम में लेकर नहीं जाना, क्योंकि वो एग्जाम के लिए परमिटेड नहीं है। आपको सिंपल एनालॉग क्लॉक लेकर जाना पड़ेगा जो एग्जाम के लिए परमिटेड है। मैंने ये पॉइंट इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि मैं हर अटेम्प्ट में देखता हूं कि मेरे क्लासरूम में से 4-5 कैंडिडेट्स तो ऐसे होते ही है जिनको अपना डिजिटल क्लॉक सुपरवाइजर के पास देना पड़ता है, तो पहले ये प्रिकॉशन लेना। 12th पॉइंट, दोस्तों मैं अभी आपको 3 चीजें बताऊंगा जो आपको एग्जाम हॉल में डेफिनेटली आपके पास होनी ही चाहिए। पहली चीज, 2 एडमिट कार्ड के जेरॉक्स, सेकंड चीज, 2 ब्लैक बॉल पेन, और थर्ड चीज, फोटो आइडेंटिटी। मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या कि कैंडिडेट्स फोटो आइडेंटिटी अपना कॉलेज का आईडी कार्ड लेकर जाते हैं जो कि परमिटेड नहीं है। अभी आपने एडमिट कार्ड के ऊपर अगर देखा होगा तो उन्होंने एक सेक्शन ऐड किया है फोटो आइडेंटिटी कार्ड, मतलब फॉर्म भरते समय आपने जो आईडी दिया था वही आईडी आपको रिटर्न एग्जाम में भी लगेगा। इस अटेम्प्ट में बहुत सारे कैंडिडेट्स गलती करेंगे, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये गलती ना करें और जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा है वही एग्जाम को लेकर जाए। पॉइंट नंबर 13, दोस्तों
दोस्तों एग्जाम के लास्ट डेज में आपको सिर्फ रिवीजन ही करना होगा, कोई भी नया टॉपिक मत लेना। इससे होगा क्या कि आपका नया टॉपिक भी पूरा नहीं होगा और जो अब तक आपने पढ़ा है वो भी आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। और एक चीज ध्यान में रखना कि अगर आपने कोई भी 4 मेजर सब्जेक्ट करे होंगे तो भी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, लेकिन 4 सब्जेक्ट आपके परफेक्टली होने चाहिए और उनकी रिवीजन भी प्रॉपरली आपकी हो जानी चाहिए। तो सिर्फ मैक्सिमम कंटेंट कवर करने के पीछे मत भागो, जो आपने किया है वही परफेक्ट करो। पॉइंट 14, बी पेशेंस एंड बी काल्म। दोस्तों एग्जाम के एंड डेज में आपको मेंटली स्टेबल रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी भी सीरियस एस्पिरेंट से पूछोगे तो किसी की भी 100% पढ़ाई नहीं हुई होगी, लेकिन जो पढ़ाई आपने की है वो आपको परफेक्शन में करनी होगी, जिसके लिए जरूरी है रिवीजन। तो सिर्फ फोकस करना रिवीजन के ऊपर ताकि आप एग्जाम में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओ। और लास्ट पॉइंट ये है कि सीरियस एग्जाम कोई टेस्ट मैच नहीं है जहां पर आपको 5 दिन या फिर 2 इनिंग्स मिलेंगे। ये T20 की तरह रहेगा जिसमें आपको मैक्सिमम 15 से 20 बॉल में ही आपको प्रूव करना पड़ेगा, मतलब बहुत कम टाइम स्पेन में आपको आपका पूरा डाटा रिकॉल करना पड़ता है। तो मेंटली बहुत स्टेबल रहे और जो छोटी छोटी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई वो आपको सीरियसली फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी एग्जाम में इफिशियंसी मैक्सिमम रहेगी और आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। तो ये थे आज के 15 पॉइंट्स। और दोस्तों अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते तो डेफिनेटली एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है यार, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आने वाले टाइम में भी आपके लिए बनाता रहूं। और एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट या फिर डिफिकल्टी होगी तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि मैं हर कमेंट का पर्सनल रिप्लाई भी करता हूं। तो दोस्तों आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अगर आपका पहला अटेम्प्ट भी होगा तो भी आपको ये बिलीव करना होगा कि आप ये अटेम्प्ट डेफिनेटली क्लियर करोगे। तो डिफेंस वॉरियर्स, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।